आज करने वाले हैं एक बेस्ट बुक का रिव्यू और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट जो एग्ज़ाम भर्ती है वो 2026-25 तक होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं प्रकार की ये बुक है। इस बुक का करेंगे इस वीडियो में रिव्यू और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कितने प्राइस की मैंने इसको बाज़ार से परचेज किया और कितनी इसकी लेंथ है वो सब इस वीडियो में आपको जानकारी करवाते हैं। तो चलते हैं सीधा रिव्यू में। नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलकू स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। तो आज लेके आया हूँ आपके लिए बेस्ट बुक का रिव्यू और वो बेस्ट बुक है नाथ पब्लिकेशन की सेकंड ग्रेड रीट सेकंड ग्रेड भर्ती एग्ज़ाम से संबंधित। और इस बुक की बात करते हैं कि इस बुक में जो लिखा हुआ है वो बहुत ही शानदार भाषा शैली बहुत अच्छी है। प्राइस रेट की बात करेंगे कि कितने रुपये में मैंने इसको बाज़ार से परचेज किया था। इसकी लेंथ की बात करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो इस प्रकार से है, इतनी इसकी जो साइज है इतनी मोटाई। बात करते हैं कि इसके अंदर जो पृष्ठ संख्या है लगभग 750 के समथिंग इसके अंदर पृष्ठ संख्या है। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से राइटर्स हैं जिनके अंदर पवन भूरिया जी हैं, राकेश भास्कर जी हैं, विनोद टेलर जी हैं, केसी गोदारा जी हैं। और फिर बात करता हूँ कि HP टेलर जी हैं जो व्याख्या था भूगोल से हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे इसके अंदर कंटेंट क्या दे रखा है। कंटेंट आप देख पाएंगे कि जैसा कि राजस्थान का भूगोल है, जलवायु, अपवाद अंतर, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी, विकास, जनसंख्या, जनजाति, उद्योग, प्रमुख पर्यटन, महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन तंत्र है, ये जितना जो टॉपिक दे रखा है ये भूगोल से संबंधित है। फिर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के इसके अंदर 5 टॉपिक हैं, कृषि में वृद्धि और विकास भारत में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र भारत का, विदेशी व्यापार, फिर बजट 2023-24-25 का भी दे रखा है, फिर महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं वो भी दे रखे हैं, फिर राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। और टोटल जो टॉपिक हैं कला संस्कृति और इतिहास के वो आप देख पा रहे हैं कि 16 टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। फिर पोर्टिकल से संबंधित जो भी भारत का संविधान है, फिर संविधान का निर्माण है, पोर्टिकल के इसके अंदर 19 टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। सर्वप्रथम हमें जो अच्छी बात लगी वो इसके अंदर पीछे गत वर्ष परीक्षा जितने पेपर हुए हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। अब बात करेंगे ये पेपर जो 2022 का पेपर दे रखा है, जो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा करवाई गई थी उसका पेपर है। इसके अंदर पेपर लगभग 5-7 पेपर इसके अंदर दिए गए हैं। ये देखो आप देख सकते हैं इसके अंदर पेपर दे रखे हैं। और इस प्रकार से पहला जो टॉपिक है वो है राजस्थान भौगोलिक विशेषताएं, बहुत ही शानदार इसके अंदर लिखा हुआ है। ये पहला टॉपिक जो डायग्राम द्वारा भी इसको समझाया गया है। लेकिन बात इसमें मुझे जो एक कमी लगी वो ये है, जैसे टॉपिक समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद में इसके अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए हैं। और जहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं तो फिर वो हमें पूरा टॉपिक है वो रिविजन उसका नहीं हो पाता है। तो टॉपिक के जैसे ही अपन पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दिए गए हैं, इसके लिए आपको अलग से बुक परचेज करनी पड़ेगी। और नाथ पब्लिकेशन की अलग से ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। बात करते हैं इसके प्राइस रेट की कि मैंने इसको बाज़ार में कितने रुपये में ख़रीदा था। इस पर शायद प्राइस रेट रुपये 700 समथिंग कुछ लिखा हुआ हो सकता है, 550 इस पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको बाज़ार से ख़रीदा था 500 रुपये में। इस पर कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता है, बहुत कम डिस्काउंट देखने को मिलता है। ये हैं पवन भौरिया जी, ये हैं राकेश भास्कर जी, विनोद टेलर जी हैं, ये केसी गोदारा जी हैं। इनकी अन्य बुक्स भी आती हैं, सेकंड ग्रेड इतिहास की भी आती है, सेकंड ग्रेड राजनीतिक विज्ञान की भी आती है, सेकंड ग्रेड भूगोल की भी आती है, दर्शन शास्त्र की भी आती है, अर्थशास्त्र की, लोक प्रशासन की, ये इनकी अन्य बुक्स भी आती हैं। नाथ पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है और बहुत ही शानदार बुक है। आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, पढ़ने में बहुत आसान है, लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखी हुई है, ज़्यादा लेंथ भी नहीं है। इसको बात करें तो लगभग 4-5 महीने में एक बार इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन 5 महीने तो लगते ही हैं किसी भी बुक्स को अपन पढ़ते हैं। तो ये सेकंड ग्रेड की बहुत ही गजब लेटेस्ट पॉपुलर बुक है, इस बुक के साथ आप जा सकते हैं। बस इसके अंदर कमी है कि नज़र आई
वो क्या है, वो मैंने बता दिया कि इसमें ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं दिया है। देखो मैंने इस बुक को पढ़ के देखा है, बहुत ही गजब इसमें लिखा हुआ है। वैसे पनोरमा की बुक आती है, लेकिन पनोरमा में क्या है कि अथाह भंडार है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इसके अंदर अर्थव्यवस्था है जो 2024-25 से और 2023-24 का जो बजट है वो भी इसके अंदर दिया गया है। ये मैंने पढ़ के देखा है, ये पिछली जो मतलब कि इसके अंदर जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, संस्कृति, राजस्थान का इतिहास बहुत शानदार लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस प्रकार की ये कुछ बुक्स आती है।